एक और भ्रष्ट अधिकारी चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे, निर्माण कार्य की स्वीकृति के एवज में मांगी थी रिश्वत। छतरपुर नगरपालिका में लोकायुक्त के छापा से हड़कंप मच गया। 30,000 की रिश्वत लेते घूसखोर उपयंत्री हुआ गिरफ्तार। छतरपुर नगरपालिका छतरपुर में लोकायुक्त पुलिस का छापा, 30,000 रुपये की रिश्वत लेते उपयंत्री रंगे हाथों गिरफ्तार। बाबूराम चौरसिया है उपयंत्री का नाम, निर्माण कार्य की स्वीकृति की एवज में ले रहे थे 30,000 रुपये की रिश्वत। डीएसपी राजेश खेड़े के नेतृत्व में सागर लोकायुक्त टीम की कार्यवाही, जैसे ही सागर लोकायुक्त ने नगरपालिका में छापा मारा और लोगों को जानकारी लगी कि उपयंत्री को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा है, पूरी नगरपालिका में हड़कंप मच गया। राज इंडिया 18 के लिए संभाग ब्यूरो अरविंद वर्मा छतरपुर। ये सागर लोकायुक्त की टीम, मैं डीएसपी प्रफुल्ल श्रीवास्तव, मेरे डीएसपी सहयोगी श्री राजेश खेड़े जी, डीएसपी मैम मंजू सिंह जी, ये हमको कंप्लेंट मिली थी। उमेश चौरसिया जी ने हमको कंप्लेंट की थी कि ये नगरपालिका की भवन निर्माण के संबंध में कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं, तो ऐसी बहुत सी जो फाइलें थीं उसकी अनुमति के लिए ये सब इंजीनियर बाबूराम चौरसिया जी हैं, ये पैसों की डिमांड करते थे और इनसे एक फाइल को कंप्लीट कराने के लिए, उसकी अनुमति दिलाने के लिए 30,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई थी। आज हमने इनको 30,000 रुपये लोकायुक्त संगठन सागर की टीम ने उनको गिरफ्तार किया है और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ये शिकायत आपको कब मिली थी और कब आवेदन में दी थी आपको? देखिए, ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय है तो हम आपको नहीं बतला पाएंगे और इसकी हमारी कुछ परिस्थितियां होती हैं, हमको इसको सीक्रेट रखना पड़ता है। सर, किन धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा? अभी तो हम 7 जो भ्रष्टाचार अधिनियम है उसके तहत हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। अब एक शहर से एक खबर जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच सकती है, मगर बस एक शेर जरूरी है। हम लगातार सच दिखाते आ रहे हैं क्योंकि हम मिर्च मसाला नहीं, सच दिखाने का प्रयास करते हैं। राज इंडिया 18 लगातार लोकप्रिय होता है क्योंकि आपका विश्वास हमें लोकप्रिय बना रहा है और हम आपके विश्वास को इसी तरह बनाए रखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।